अब फिर से नहीं रोने लगना, तभी रो रहा था वीडियो बनाते बनाते, फिर रोने लगे। यहाँ बैठे हमारे यहाँ और तो अब हमें यहाँ पे कुछ और लोग मिल गए चुके हैं स्कूटी पे और जा रहे हैं एनजीओ की तरफ। हेलो दोस्तों, आज है 9 अगस्त और आप गेस करो आज क्या है। जी हाँ, आज मेरा बर्थडे है और जिस दिन हमारा बर्थडे होता है वो दिन काफी सैड डे भी होता है, क्योंकि हमारी जिंदगी का एक साल कम हो जाता है, लेकिन वो काफी हैप्पी डे भी होता है। तो मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ स्कूल जाने के लिए और पापा मेरे लिए चॉकलेट भी लाए थे, तो आज मैं स्कूल तैयार होके जाऊंगी और यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगी और चॉकलेट भी लेके जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं नहाऊंगी और वुजू बनाऊंगी, फिर नमाज पढ़ूंगी। तो अब मैंने नहा करके वुजू बना लिया और अब मैं नमाज पढ़ूंगी और ये वो प्यारी सी ड्रेस है जो आज मैं स्कूल पहन के जाऊंगी। तो आप लोगों को मेरी ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके बताना। तो चलो नमाज पढ़ती हूँ अब मैं। तो अब सादिन भी स्कूल जाने के लिए सुबह सुबह उठ गया और इसने यूनिफॉर्म पहना है और आपको ये इतने टेंशन में इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि आज इसका पेपर है। सादिन आज कौन सा पेपर है? कंप्यूटर का। पढ़ा वड़ा है कि नहीं? पढ़ा नहीं। तो फिर इतना टेंशन क्यों? नींद आ रही है, टेंशन नहीं है। अच्छा, तो अब मैं जा रही हूँ तैयार होने और मैंने सारा सामान निकाल लिया तैयार होने के लिए। तो सबसे पहले मैं मेकअप करूँगी, उसके बाद हेयर स्टाइल करूँगी। तो अब मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ और मैंने बैग पैक भी कर लिया है और मेरे पापा मुझे चॉकलेट दिलाए थे ये टीचर्स को देने के लिए और सारे बच्चों को देने के लिए, वो चॉकलेट भी अब मैं बैग में रख लूँगी। और मम्मी ने आज काफ़ी टेस्टी सा टिफिन भी बनाया है, तो चलो मैं टिफिन भी ले लेती हूँ, एक सादिन के लिए और एक मेरे लिए। तो अब मैं जा रही हूँ स्कूल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज हमारे बर्थडे के साथ साथ आज जुमा का दिन भी है, तो जुमा का नमाज का वक्त हो गया, तो मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। और हमारे सालिम अभी स्कूल में है, थोड़ा वक्त उनको आने में। और काफ़ी दिनों के बाद मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं वीडियो बना ही रहा हूँ। आप लोगों को माशाल्लाह कमेंट बहुत आता है कि आप लॉन्ग वीडियो क्यों बना रहे हो। तो यार अब पहले की तरह बोल नहीं पाता हूँ, बोलने में बहुत तकलीफ रहती है, तो मेरी आवाज़ भी मेरी बात भी सबको समझ में नहीं आती, इसलिए ज़्यादा कोई वीडियो देखता नहीं, पसंद भी नहीं करते लोग। इसलिए मैंने सोचा जानो लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि पहले की तरह मैं बोल ही नहीं पाता हूँ। जो बोलता हूँ वो शायद आप लोगों से कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। और जो शीर शीर की आवाज़ आती है उसके तो बहुत कमेंट आता है, शीर शीर करके बोलते हैं, इसलिए मेरा दिल नहीं करता लॉन्ग बनाने का। लेकिन आज हमारे का बर्थडे है तो वीडियो बनाना तो बनता ही है। सुबह हमारी वीडियो बना के चली गई स्कूल, अब नमाज का वक्त हो गया, मुझे नमाज़ पढ़ने। और सुबह हमने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें हमने पूछा था कि आप लोग बताओ कि हम आज हमारे का बर्थडे का दिन कैसे सेलिब्रेट करें। तो माशाल्लाह आप लोग के बहुत कमेंट आए, दुआएं तो बहुत सारी आएँ, तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट उसमें कुछ ऐसे आएंगे जैसे कुछ गरीब बच्चों को कपड़े दे दो, कुछ गरीब बच्चों को खाना खिला दो, मस्जिद या मदरसे में कुछ पैसा दे दो, ऐसे कुछ बहुत सारी कमेंट आए हैं। तो उसी में आपके कमेंट भी हम इंशाल्लाह अभी कुछ करेंगे, उससे कुछ जा जाएंगे। वैसे भी हर जुमा को मैं मस्जिद में कुछ ना कुछ पैसा देते रहता हूँ, ऐसा नहीं कि आज ही दे रहा हूँ, लेकिन आज हमारे का बर्थडे तो अपने बेटे के लिए बहुत सारी बच्चों के लिए दुआएँ करूँगा और मरीजों पैसे भेजूँगा। बच्चे का बर्थडे थोड़ा इमोशनल हो गया, तो चल तो नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ जाता हूँ। तो दोस्तों मैं नमाज़ पढ़ के आ गया और ये लोग आगे आगे मेरे देखो आए, स्कूल से आए दोनों जन और मैं नमाज पढ़ के आ गया। तो आपका स्कूल में बर्थडे का दिन कैसा गया? बहुत अच्छा गया, सबके सबको चॉकलेट भी दी और सब लोगों ने विश भी किया, अच्छा था आज का दिन, सारे टीचर ने विश किया। और आज मैंने होमवर्क नहीं किया था लेकिन डांट भी नहीं पड़ी। तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी मेरे स्कूल चले गए, मैं अपनी गुड़िया को दुआ भी नहीं दे पाया, ज्यादा प्यार भी नहीं किया, तो अल्लाह करे। हां, तक सबने मेरे को विश कर दिया, पापा ने नहीं किया। तो मेरी गुड़िया अल्लाह करे खूब खुश रहे, खूब तरक्की करे, अपना नाम करे। आपको भी नाम करूँ? मेरा भी नाम करे, अपना भी नाम करे, तरक्की करे, खुश रहे, बस मेरी बढ़िया मेरी दुआ है। अब फिर से नहीं रोने लगना, तभी रो रहा था वीडियो बनाते बनाते, फिर रोने लगे। पता नहीं क्यों आज हो गए, चलो बैठ जाओ, तभी भी वीडियो बनाते बनाते रो रहे थे। हम लोग मेरे भी हैं जो भी हैं, हम लोग बहुत जलने वाले, बहुत दुश्मन लोग हैं यार, बहुत जलने वाले। अगर मुझे कुछ हो गया ना बच्चे को कौन संभाले, सोचते हैं तो रोते हैं। अरे कुछ नहीं सोचने का, अल्लाह है ना बहुत बड़ा है, कुछ नहीं। जो दिखावा करते मिलते हैं सब जलने वाले, हम लोग अपने वाले और सब जलने वाले, कोई है नहीं हम लोग का।
कमेंट भी लोग कमेंट भी पता नहीं क्या क्या कमेंट करते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। दूसरा हम लोग के नाम से दूसरा पैसा मांगता है, उसको पैसा देते हैं नाम, हम लोग के बाद नाम करते गए तो पैसा मांगते हैं, हम लोग पैसे ज्यादा नहीं मांगते हैं, दूसरे दूसरे लोग पैसा मांगते हमारे नाम से। था कभी हमारा टाइम खराब था, और खराब था बीमारी आई थी, अल्लाह का आप लोग की सपोर्ट दुआ से अभी हमारा टाइम अच्छा चल रहा है, खा रहे अच्छा अच्छा, हम लोग घूमे फिरे पहन अच्छा, पैसा तो नहीं मांग रहे, लेकिन यहाँ मुझे अंदर से होता होता कि मेरे नाम से दूसरे लोग पैसा मांग रहे। हाँ मतलब कि बच्चे लोगों का नाम खराब हो रहा है, मेरे बच्चों खराब हो रहा है, पैसा मांग रहे दूसरा कोई समझते नहीं है। आज भी फेसबुक पे मारे का बर्थडे का स्टोरी डाल के पैसा मांग रहे हैं कि मारे का आप लोग मुझे गिफ्ट करो मेरा बर्थडे, ऐसा मांग रहा है। जो अपने रिश्ते आए वो सब सब जलने वाले हैं यार, इसलिए थोड़ा रोना आता है, मेरा कोई भरोसा नहीं कब तक हूँ कब तक नहीं हूँ, क्या चलो कोई बात नहीं, दुआ करो अल्लाह पाक है बस बहुत है, सब रो नहीं टेंशन नहीं लो, तो करा पापा को प्यार करो, तो मैंने अपनी बिटिया को दुआएं दे दी, अब उसकी मम्मी भी दुआएं देंगी है ना। सालिम ने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है, हाँ अभी तुमको सरप्राइज देगा सालिम, अभी कुछ बताएंगे नहीं, एक काम करो तुम पहले स्कूल का यूनिफॉर्म उतारो, फिर कपड़ा पहनो, फिर इसको गिफ्ट लेना है ना। चलो सालिम जो गिफ्ट लाया है छुपा के रखा था, निकाल रहा है अब, रुक जा रुक जा रुक जा, मारिया आँख बंद है, हाँ आँख बंद करके रख, खुश हो गया ना, आँख बंद रख, रुक जा रुक सालिम, फिर मारिया की आँख बंद है देखो, तो अब सालिम मारिया को देखो गिफ्ट देगा, चलो हाँ आँख बंद ही रखना, आँख खोलो पहले देखो तो क्या है, देखो ये खोल के तो देखो पता चलेगा, इसको साइड रखो पहले, ये खोल कपड़ा, ये एकदम मस्त वाला कपड़ा, पिंक कलर का भाई, देखो पिंक कलर का है, कैसा लगा, शरारा है ये तो, कैसा लगा, अच्छा लगा, शरारा है क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं मालूम, कैसा लगा बताओ, ये तो गरारा की शरारा है, इसको गरारा बोलते शायद ना, गरारा, हाँ ये देखो भाई, तो कैसा लगा शादी में गिफ्ट, बहुत अच्छा, मुझे कपड़ा सबसे ज्यादा पसंद है, हाँ? एक और चीज भी है अभी, और एक चीज, हाँ हाँ देख के तो तुम खुश हो जाओगी, मैचिंग ज्वेलरी, अभी मैचिंग है एकदम, और एकदम अच्छी अच्छी, वो भी बड़ी बड़ी है देखो, मतलब सेम है जो कपड़े का कलर है वही कलर, एकदम मैचिंग का है, अरे शादी में सरप्राइज, बहुत बहुत दिन से लेकर रखा था शादी में बर्थडे के लिए, आज मतलब आजकल में नहीं लिया है, काफी दिन पहले लेकर छुप के रखा था, महीना हो गया था, सोचा था कि मारिया के बर्थडे पे ले लेता हूं, जब बर्थडे आएगा तब, देख कितना प्यार करता तेरे को, थैंक यू बोल, थैंक यू, अल्लाह करे दोनों भाई बहन में ऐसी मोहब्बत पूरी जिंदगी बनी रहे, अल्लाह करे यही दुआ मेरी, चलो तो अभी मारिया इसको पहनेगी, शाम को पहनना इसको ना, शाम को पहनना, पूरा शर्ट भी पहनना, अच्छा लगेगा, जुम्मा की नमाज के वक्त लोग स्कूल में रहते हैं, तो अब घर आने के बाद शादी में नमाज पढ़ रहा है, ऐसे नमाज पढ़ रहा है, तुम कब नमाज पढ़ोगे, पढ़ने हाँ तुम भी पढ़ो, चलो हमने कुछ पुराने कपड़े निकाले हैं शादी में मारिया के, मेरे भी है क्या इसमें, हाँ हाँ मेरे भी है शादी में के मारिया के है, तो इसको कहाँ लेंगे समझ में आता है, ऐसा करते हम लोग एन जी ओ में दे देते हैं, पिछली बार हम लोग कपड़ा निकला था तो एन जी ओ में दिए थे ना, वहीं दे देते हैं क्योंकि वो एन जी ओ वाले अपना वो डोनेशन करते रहते हैं, जहाँ उनको दिखता है कि हाँ हम लोग ऐसा किसी को देंगे पता नहीं पहने ना पहने फेंक दे क्या मालूम, तो एन जी ओ में लेके आते हैं, तो सब अभी अच्छे हैं, खराब नहीं है, खाली छोटे हो गए सब, सारे कपड़े छोटे हो गए, ये तो पहने नहीं तू ना, ये भी नहीं पहना मैंने, ये भी नहीं ज्यादा, ये तो पहने नहीं, ये तो पहने नहीं है, एक बार भी मेरे ख्याल से, ये कुर्ता भी तुमने पहना, ये कुर्ता मेरा नया मैंने पहना नहीं, एक बार भी ऐसे रखा है, हमारे यहाँ तय कर रही है शादी में हमारे थैली में डाल रहे हैं, हमने एक जम्बू थैला में रख लिया और अब हम जा रहे हैं इसे एनजीओ में देने के लिए, तो सादिम चलो उठाओ थैला, क्योंकि मैं बहुत बड़ी हूँ, तो अब हम सब बैठ चुके हैं स्कूटी पे और जा रहे हैं एनजीओ की तरफ, तो पापा स्कूटर चला रहे हैं और हमारा आगे सारा थैला रखा हुआ है जिसके अंदर सारे कपड़े हैं, तो हम लोग एनजीओ के पास आ गए हैं, तो आज मैं जाऊंगा नहीं कपड़े देने, आज शादी में मारिया जाएंगे, थोड़ा इन लोग को भी सीखना चाहिए ना कैसे काम करते कैसे देते, उठा लेगा चल चार माले पे, हाँ लेके आ जाओ, तो ये एनजीओ है मेकिंग द डिफरेंस, जाओ दिखाओ, तो अब हम आ चुके हैं फोर्थ फ्लोर पे, चलो खुल खुल खुल, तो अभी मारिया यहाँ पे फॉर्म फिल कर रही है, तो अब हम आ चुके हैं एनजीओ में और यहाँ पे हमने अपने कपड़े दे दिए, सारे वर्कर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं,
तो कपड़े लेकर के सादे मोड़ में आ चुके हैं बाहर। यहाँ पापा बाहर बैठ के देखो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ हमारा वड़ा पाव देखो रेडी हो गया है, ये पूरा एक एक अभी गर्म है तो अभी पूरी थैली में इसमें है और बाकी इसमें है कार्टून में। तो हमने 100 बोला था लेकिन ये 100 से ज़्यादा ही है ना। हाँ 100 से ज़्यादा ही है। चलो सब इसको लेके चलते हैं, इसको बांट के आते फटाफट ना। हेलो, उसके ऊपर नहीं रखो पचक जाएगा। शादी में हमारे यहाँ जाएंगे, बांट के आएंगे, तुम जाओ घर। मम्मी अल्लाह हाफिज़, घर जाओ तुम। तो अभी मारिया जा रही है पहले पहले दो बड़ा पाव देने। और हम आपको ज्यादा किसी को वड़ा पाव देते वक्त नहीं दिखाएंगे। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ मार्केट में जहाँ सब्जी खरीदने आते हैं। तो अब मस्जिद के सामने हम आ गए हैं और यहाँ पे हमें एक आंटी मिल गए। तो हमें यहाँ मार्केट में ज्यादा कोई मिला नहीं और शाह मस्जिद के पास भी हमें ज्यादा लोग नहीं मिले। तो अब हमें यहाँ पे कुछ और लोग मिल गए। और यहाँ पे भी कुछ लोग हमें मिल गए हैं। तो हम शादी में जा रहे हैं उन्हें वड़ा पाव देने। और अब हम आ चुके हैं मंदिर के पास और यहाँ पे भी हमें कुछ आंटी मिल गई हैं। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ मंदिर के पास और यहाँ पे काफी सारे लोग हमें दिख रहे हैं। तो चलो अब इन्हें भी वड़ा पाव देते हैं। और हमारी जो एक थैली है वो तो पूरी खत्म हो गई वड़ा पाव की। अब जो एक बॉक्स में कुछ वड़ा पाव थे बस वो देने बाकी है। तो पहले इन्हें दे देते हैं। तो दोस्तों हम लोग 100 वड़ा पाव बांट के आ गए घर। और घर आने के बाद हम लोग तैयार हो गए क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आप लोग को दिखाता हूँ मैं। तो ये है हमारी जो कैया मैडम और ये हमारी मारिया मैडम। ये देखो माशाल्लाह शादी में जो गिफ्ट दिया मारिया को ना वो मारिया पहन लिया और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी बताना कैसा लग रहा है। और दोनों का कलर भी मैचिंग मैचिंग हो गया यार दोनों का। और शादी में ये पहना है और मैंने भी नया पहना, देखो बच्चों वाला शर्ट दिखा दूँ। हाँ ये 11 साल के बच्चों वाला शर्ट देखो। ये हम लखनऊ से लाए थे लुलू मॉल से। ये लुलू मॉल से लखनऊ के लिए आज पहन रहा हूँ। और ये 10-11 साल के बच्चे का ये भी वही लुलू मॉल का, लेकिन ये पहले पहन लिया था। तो पूरा दिन तो हमारा गुजर चुका है। हमने जो करना था उसको सब दिखा दिए लेकिन अभी हम लोग माया को सब कुछ करने के लिए चलेंगे, कहीं कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि हमने केक वगैरह कुछ कट करने वाले नहीं है। केक कट करना सब बंद कर दिए हैं। इसका भी बर्थडे आता है, इसका बर्थडे में कुछ किए नहीं थे, केक नहीं काटे कुछ क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी पापा की। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, वीडियो भी नहीं बनाया इसके बर्थडे में। तो और आज हम लोग कुछ केक वगैरह नहीं काटेंगे और ना कोई बड़ा सेलिब्रेशन किया। हमने आपने देखा है पूरा दिन कि हम लोग होटल में चलेंगे थोड़ा खाएंगे पिएंगे फिर हम लोग खुश हो जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे चलो दिखाता हूँ आपको, क्योंकि मुझे खाना काफी ज्यादा पसंद है इस वजह से सबसे ज्यादा खाऊंगी मैं। तो दोस्तों हम लोग इस रेस्टोरेंट में आ गए हैं। देखो दो जन यहाँ बैठे हैं हमारे यहाँ और यहाँ माशाल्लाह भैया देखो चटनी और प्याज आ गया एकदम सजा हुआ। वाह खाओ माशाल्लाह। तो कैया ने फिर मंगाया तो कैया खाएगी सबसे पहले, वही निकालो माशाल्लाह खा के बताएगी। और एक राज के बाद बताऊँ पहले फिश नहीं खाती थी। हाँ अच्छा है ना, खा लो सीख कबाब और हमारी रोटी आ गई है। तो शादी में हमारे यही खाएंगे या फिर खा रही हैं। ये खा रही है देख रही है अच्छा। अभी हमने मंगाया सालिम के लिए पुडिंग पुडिंग वहाँ से ना आइसक्रीम का जैसा आइसक्रीम का जैसा। हाँ तो पापा की हो रही है जेब खाली। खा भी के बाहर आ गए हैं। अब इसको इतना खाने के बाद क्या चाहिए अभी इसको, बाबा फलदा पीना। चलो चलते बाबा फलदा के यहाँ। दोस्तों हम आ गए बाबा फलदा के यहाँ और हमने ले लिया मिक्स वाला फलदा। दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत है, खाने में देखते कितना खूबसूरत है। खूबसूरत है मतलब टेस्टी है। हाँ चलो खाओ, तुम भी खाओगे और एक ले लूँ। नहीं ज़्यादा खाता नहीं है वहाँ का, इसने खाना भी ज़्यादा नहीं खाया।
एक ही फल में सब तीनों खा लेंगे। हम देखो भाई प्लान तो खाली मेरा का खाने का। हम यूनिक तरीके खाएं लो खाएं लो खाएं लो। हम चम्मच के एकदम बीच में खाएंगे ऐसे एकदम बाहर। तो इतना बड़ा वाइट है मारिया बोल रही कि एक बार में खाऊंगी। चलो देखते हैं। एक बार में नहीं हुआ फेल हो गई। तो दोस्तों हम अपनी छोटी सी पार्टी करके आ गए घर। उम्मीद है मारिया के बर्थडे का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं करें, छोटा मोटा ही वीडियो बनाए हैं। तो उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना और मारिया को बहुत सारी आप लोग दुआएं जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।